सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइज, आज इस वीडियो में हम करेंगे RRBPO का मॉक नंबर 4, जो कि ओली बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को ओली बोर्ड पर कुछ भी परचेज करना है तो कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो आप लगा सकते हैं, जिससे आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, सो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कोड। ठीक है, तो देख लेना, अगर आपको नीड है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल तो नो वाइज इज़ क्रोल, ठीक है, ओल फ्लेवर, और ये है क्रोल, इसको लिख लेते हैं। फिर क्या है हमारा, ओनली ए फ्यू, जो कि ए काइंड, और इसमें दे रखे हैं हमारे पास नो क्रोल इज़ क्लेवर, सही है, सम काइंड इज़ नॉट वाइज, सम काइंड इज़ नॉट वाइज, सही है ये भी। तो बोथ आर राइट, कहाँ है ये रहा, ऑल सीजर कटर, ओनली फ्यू कटर, ये ज़्यादा पता नहीं। एक काम करते हैं, इस पर भी ठीक है। फिर क्या है, सम क्लीपर, क्लीपर कहाँ है, सीजर, एक सेकेंड, ऑल सीजर हो गई ये, और ये हो जाएगा शेयर। ठीक है, सम क्लीपर और सीजर, फिर है नो क्लीपर कटर, गलत, और नो सीजर बिंग, नो सीजर बिंग शेयर इज ए पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, नहीं भी, हमें क्या पता, पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगा ये। अगर पॉसिबिलिटी बोला है इसने नो, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया यार मुझे तो, नो सीजर बिंग शेयर इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है पॉसिबिलिटी है, तो सेकेंड वाला ठीक। फिर है ओल पर्स बैग, सम वॉलेट बैग, ओनली फ्यू हैंड बैग, ओनली फ्यू हैंड बैग इज वॉलेट, ऑल हैंड बैग बिंग, ऑल हैंड बैग बिंग बैग इज़ ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है, और सम पर्स बिंग वॉलेट, पर्स बिंग वॉलेट इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है, तो बोथ ठीक है। फिर है सम हाउस, ओनली फ्यू हाउस इज रोड, और सम हाउस ब्लॉक, ऑल स्ट्रीट इज ब्लॉक, और सम स्ट्रीट आर हाउस, स्ट्रीट इज हाउस, नहीं पता, सम रोड इज ब्लॉक, रोड इज ब्लॉक, ये भी नहीं पता, नाइदर नोर आएगा इसका। फिर है सम फाइव, ऑल फाइव कैंस, और सम कैंस चार, सम कैंस आर, कैंस आर बेटा ये सही है, सॉरी चार है पहला, तो सम चार सार ये गलत, और सम कैंस सेकंड वाला सही आएगा हमारा ये, ठीक है। तो फिर है इन ए फैमिली टू जनरेशन, अंजू इज फादर, अनुज सॉरी अनुज इज फादर ऑफ सीमा, हु इज़ मैरिड टू फरहान, और दमन इज ब्रदर ऑफ सीमा, सो डी आ जाएगा इधर, दमन ठीक है। और एंड इज़ अ सन ऑफ मनीषा, और रंजन इज अ, रंजन इज द सन ऑफ शालिनी फादर्स इन लॉ, भी शालिनी कौन है, शालिनी इज़ द वाइफ ऑफ रंजन, तो शालिनी है वाइफ ऑफ, शालिनी इज़ वाइफ ऑफ रंजन, रंजन इज़ द सन ऑफ शालिनी फादर इन लॉ, रंजन इज़ द सन ऑफ शालिनी फादर इन लॉ, तो ये हमें फादर इन लॉ तो सिर्फ इधर ही है, फिर इसी का भाई हो जाएगा ये रंजन, तो शालिनी सिस्टर इन लॉ या तो सीमा हो सकती है, एक सेकेंड, इसको छोड़ते हैं, पता नहीं क्या होगा, गुड़ का बताना है तो गुड़ सिर्फ एक में ही है गुड़, तो ओके, ए डी ओ, ये भी नहीं होगा, यूपी, यूपी भी नहीं होगा, आर जे भी नहीं होगा, एफ ए आ जाएगा इसका,
ठीक है, और पी यू, पी यू का बताना है किसमें, और एक सेकेंड, पी यू ए किसमें है, बस उसी में, तो मे यू क्यों नहीं आएगा, कीप भी नहीं आएगा, हाई भी नहीं आएगा, अबो आ जाएगा इसका, और फिर डी ओ का फर्स्ट और लास्ट यू नहीं आएगा, मे भी नहीं, एक सेकेंड, यू हो सकता है ना, यू हो सकता है, और फिर मे भी हो सकता है, होप गुड वंस, तो और कोई होगा नहीं, फिर है आर एम, तो आर एम जो है इन तीनों में है, बिलो बिलो नहीं होगा, योर योर भी नहीं होगा, होप होप भी नहीं होगा, कीप कीप हो जाएगा, ठीक है, अबो मे कीप, अबो मे कीप, और कीप यू अबो, कीप यू अबो, तो इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन द सेम कोर, दिस इज दिस, तो ये हो गया, और इसका बताना है हमें योर योर वन टाइम, तो योर का काफ़ी खतरनाक खतरनाक दे रखे हैं इसमें, योर का इसमें है, तो एस एम, ठीक है, एस एम हो सकता है, एस एम ए ई नहीं होगा, और एम एस किसका देख रहा था मैं, योर का, तो एम एस भी नहीं होगा, फिर आर जे भी नहीं होगा, आर एम भी नहीं होगा, ठीक है, यही हो जाएगा, और वन का बताना है, अब वन वन इसमें भी नहीं है, तो और इसमें एक इसमें है वन, ये रहा, तो वन का इसमें से निकलेगा, एन एक्स हो सकता है, एन एक्स, एक सेकेंड, एन एक्स नहीं होगा, एफ और एल, एफ एल ये हो सकता है, ठीक है, आर जे नहीं होगा, ए और ये नहीं होगा, वन का भी हो गया, फिर क्या बताना है, टाइम का देखना है, टाइम टाइम भी उसमें मिलेगा, एक हो गया टाइम इसमें, वो टाइम इसमें मिलेगा, एम एस नहीं होगा, एम एस तो उसमें था, एन एक्स भी नहीं होगा, आर जी नहीं होगा, जी एल आ जाएगा इसका, जी एल, और फिर होप का देखना है, होप होप एक इसमें है, एक इसमें भी है, दोनों में ही है, एन एक्स हो जाएगा, फिर होप का, आर जे भी है, तो होप इसमें देखते हैं क्या है, होप इसमें है, आर जे हो जाएगा इसका, होप का, तो आर जे जी एल एफ एल, आर जे जी एल एफ एल, और एम एस से एस एम आएगा, एस एम एफ एल आर जे जी एल, ठीक है, ये आ जाएगा, फिर बताना है आर एम, आर एम का देखना है, आर एम एक इसमें, दो और तीन इन तीनों में है, तो एक देखा था हमने, कीप था मैं भी, कीप हो गया, और फिर जी क्यू, जी और क्यू का तो है ही नहीं, जी और क्यू अलग ही होगा, कीप बिलो नहीं होगा, कीप फाइंड और क्या है, और कोई है ही नहीं, ठीक है, इन द नंबर दिस, तो 8293745, टू सेपरेटेड इवन डिजिट, ये आ जाएगा 6024, वन इज एडेड टू द ओड डिजिट, इधर 10 आएगा फिर ये, तो ठीक है, और इधर आएगा एक सेकेंड, वन सब्ट्रैक्ट टू इज टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन, और वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट करना 8, और इधर आएगा 2 6 4, फाइंड द सम ऑफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम राइट एंड फोर्थ डिजिट, 1 2 3 4, 6 हो जाएगा, फिर है जो कि अरम्या कुक्स, इतना, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, वो सिंगल है, ये क्या बात हुई, अब इतना बड़ा सोल्व करवाएंगे और एक आंसर पूछा है, उमा कुक इमीडिएट आफ्टर, उपमा कुक इमीडिएट आफ्टर डोसा, ठीक है, थ्री डिशेस, डोसा एंड रोल 1 2 3, ओ बिफोर डोसा, रोल इज बिफोर, रोल हो गया 1 2 3, इधर डोसा और उपमा, इधर डोसा रोल उपमा आ गया, और फिर क्या है, पैनकेक इमीडिएट बिफोर इडली, पैनकेक इमीडिएट बिफोर इडली हो गया, तो कटलेट इज नॉट टू, जो कि वेडनेसडे, ठीक है, तो इधर ये आए, फिर
फिर आगे देखते हैं, पैनकेक वाज कुक्ड नाइदर ट्यूजडे नोर वेडनेसडे, तो पैनकेक इधर आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा पैनकेक इडली, और इधर क्या बोला था कटलेट जो कि वेडनेसडे को नहीं है, तो इधर आ जाएगा कटलेट, और वेडनेसडे को जो कि क्या हो गया ऑमलेट आ जाएगा एक बचा हुआ। इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया, बड़ा एक क्वेश्चन पूछा है, फिर है सिक्स बॉक्सेस हैं जो कि मार्वल के, सच दैट नो टू बैग हैव द सेम नंबर ऑफ मार्वल्स, ओके, एफ इज द लो, एफ हैज लोअर नंबर ऑफ मार्वल देन एच, और द बैग इमीडिएट लोअर देन एफ, इमीडिएट लोअर देन एफ इज 16 बट नॉट ए, एफ और नीचे ए नहीं होगा एकदम से, ए हैज द हायर मार्वल्स देन ई बट लोअर देन टी, और फिर क्या है आर इज द इमीडिएट हायर देन मार्वल ई, आर और ई, और फिर एच डजंट हाईएस्ट, तो एच जो है इधर हाईएस्ट नहीं होगा, एच द बैग सेकंड हाईएस्ट कंटेन, तो एक दो तीन चार पाँच छ, तीन तीन छ हो गए, द बैग कहाँ गया, द बैग सेकेंड हाईएस्ट इज नंबर ऑफ मार्वल्स 28 बट नोट ए, ए इधर नहीं आएगा, और द लोवेस्ट लोवेस्ट नंबर ऑफ मार्वल इज 5 आ गया इधर, अब एच और ई, ई के ऊपर ये आ जाएगा, तो टी ए आर ई, ठीक है, एच और एफ, एच और एफ बच गए ना, इनका कैसे बनाएं, टी ए ई, ई के ऊपर आर, तो चार तो हमें पता चल गया, जिनमें से दो तो फिक्स हैं ही है, ठीक है, अब टी ए इधर आएगा नहीं ये भी पता चल गया, या तो फिर ए इधर आएगा या ए आर और ई, ठीक है, और एफ इधर आएगा नहीं, यानी कि टी एच और एक सेकंड इधर क्या बोला था उसने, ए भी, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा इधर, फिर ये तो आर इज इमीडिएट हायर देन ई, एच इज नॉट द हाईएस्ट, द बैग कंटेन ई हो गए सारे, एफ इज द लोअर मार्वल देन एच, एफ जो कि लोअर है, द बैग कंटेन इमीडिएट लोअर देन एफ इज 16, तो एफ उधर भी नहीं जाएगा, तो एफ इधर ए, फिर इधर एफ आ सकता है, एफ के नीचे इधर ए, ये आर और ई, एच जो कि हाईएस्ट भी नहीं होगा ये भी बोला था उसने, ठीक है, तो 28 5 एच अगर हाईएस्ट नहीं होगा तो एफ इधर आ नहीं सकता है ना, तो ऊपर हमें टी लेना पड़ेगा, टी और इधर एफ और नीचे ए, ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर इधर लिया टी तो ऊपर आएगा ये पता चल गया हमें, टी 28 5, टी आने के बाद या तो ए इधर लेना पड़ेगा, आर और ई, आर ई एच एफ, ठीक है, अब एफ के नीचे वाला 16 होगा ये पॉसिबल नहीं हुआ, ए इधर आएगा नहीं, ए इधर नहीं आएगा, तो ए इधर लेना पड़ेगा, या फिर
और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए तो इधर ही लेना पड़ेगा, एच हमें इधर लेना पड़ेगा, ठीक है, एच इधर, और एफ नीचे आ नहीं सकता, तो आर ई एफ हो जाएगा 16, ठीक है, डिफरेंट नंबर मार्ग नो सच हैज टू मार्बल्स, ठीक है, तो थर्ड लोवेस्ट नंबर 1 2 3 एफ, 16 मार्बल हैं जिसके, एक सेकेंड, 16 तो एफ के नीचे था ना, आर, तो वट इज़ मे बी द पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल दैट ए, ए के पास 28 से कम यानी कि 25 हो सकते हैं, कैप 8 प्रिंटर्स हैं जो कि ये हैं, यू कैन डू पैरेलल रोज 1 2 3 4 हो गए, और फिर क्या बोला है कि ठीक है, रेस्ट ऑफ प्रिंटर्स आर वन, ओनली वन प्रिंटर कैप बिटवीन कैनन एंड डेल, सैमसंग इन एडजेसेंट टू विप्रो एंड नोट सिट अपोजिट, सॉरी विप्रो इज नोट टैली, और लेनोवो इज फेसिंग द साउथ, तो लेनोवो आएगा ऊपर वाले में, ये वन मान लेते हैं टू, लेनोवो आ गया, लेनोवो इज फेसिंग साउथ एंड सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू सेकेंड में, ओ टू प्रिंटर जो कि फिर लेनोवो इधर मान लेते हैं और कॉमटेक इधर, लेनोवो कॉमटेक टू प्रिंटर्स बोला है ना, कहाँ गया टू प्रिंटर्स बिटवीन कोडेक, नो प्रिंटर्स कैप्ट टू द राइट ऑफ, ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, और डेल इज कैप्ट इमीडिएट राइट ऑफ, लेफ्ट राइट डेल आ जाएगा इधर, और कैनन इधर आ जाएगा, ठीक है, तो सैमसंग और सैमसंग आएगा इधर, एक सेकेंड, विप्रो इधर, सैमसंग इधर, डेल इधर, और कैप्ट इन फेसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज इन रो फेसिंग साउथ, कैनन टैली, कैनन आएगा, तो टैली इज कैप्ट लेफ्ट राइट सेकेंड टू द राइट, डैश इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विप्रो, विप्रो कहाँ है इमीडिएट लेफ्ट, तो सैमसंग आएगा, ठीक है, इज नॉट कैप्ट एट एंड ऑफ द रो, वो जो कि नहीं है टैली सही है, लेनोवो गलत हो गया, विप्रो ए और सी एडजेसेंट टू कैनन टैली आएगा, ठीक है, और आर ए एन ई तो ऐसा ही बनाया, बी लास्ट में भेज दिया, तो टी इधर लास्ट में चला जाएगा, टी लास्ट में, फिर ए सेकंड पे था तो ए तो ओ सेकंड पे ही है, ई सेकंड पे ही रहेगा, ठीक है, और एन आएगा लास्ट सेकंड, तो आर आएगा इधर, टी ई ए आ जाएगा, ए ई आर टी, ठीक है, और फिर ये है सेवन, सेवन डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और इधर एक लास्ट जुलाई, इकतीस, उनतीस, इकतीस, तीस, इकतीस, तीस, इकतीस, और फिर क्या बोला है, बिफोर ईच ऑफ द मंथ विच हैज मोर देन ईच वन ऑफ देम होस्ट ए मीटिंग इन द मंथ विच हैज मोर देन 30 डेज, सारे वही लेने थे, गलती गलती, ओके, जनवरी हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और फिर क्या है, बिफोर होस्ट इन द मंथ बिफोर जुलाई, फोर आएगा इधर, फोर इधर, फोर इधर, थ्री पर्सन, थ्री पीपल हो, थ्री, एक सेकेंड, थ्री
इधर थ्री, तो फाइव इज़ होस्ट इमीडिएट बिफोर थ्री, फाइव फाइव फाइव, और फिर क्या है वन पर्सन बी फाइव और सेवन, सेवन थ्री फाइव वन सेवन, वन सेवन हो गया, फाइव थ्री सेवन सेवन फोर, और वन पर्सन फाइव फोर सेवन हो गया, और वेयर एज फाइव इज़ होस्ट आफ्टर सेवन, फाइव इज़ होस्ट आफ्टर सेवन है, फाइव इज़ होस्ट आफ्टर सेवन, ठीक है। तो टू इज़ होस्ट इमीडिएट बिफोर सिक्स, टू इमीडिएट बिफोर सिक्स, ये ख़त्म। वन इज़ आफ्टर जुलाई, वन आ गए इधर, ये भी ख़त्म। तो द नंबर ऑफ पीपल होस्टिंग बिफोर बी वन, एक दो तीन चार, सेम एज द आफ्टर एक दो तीन चार फोर। फिर हाउ मैनी पीपल होस्ट सेवन एंड द वन दिसंबर, एक दो। फिर मीटिंग ऑन अक्टूबर से फाइव की है, और वन आउट टू जो कि मई, ठीक है, एक छोड़ करके बी वन दिसंबर, ये भी फाइव जो कि है, ये गलत होगा पक्का। इमीडिएट आफ्टर बी थ्री, बी थ्री कोई भी नहीं है, नो वन, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स, तो टू सेवन नाइन फाइव फाइव सिक्स फोर एट वन टू, ठीक है, दो तीन चार, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नहीं बने सात आठ नौ, ये भी नहीं बनेगा, पाँच छः सात, फिर है छः सात आठ, छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः तो हो ही गई हैं, पे फिर आठ ये बनेगा नहीं, चार पाँच छः सात आठ नौ, नहीं चार ये भी नहीं बनेगा, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया, सात आठ नौ छः, फिर एक और बनेगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टेन है क्या, हाँ। फिर है सिक्स पर्सन है जो कि सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड, सेवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और फिर है ये हो गया जे सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, लेफ्ट राइट जी जी, एक सेकेंड लेफ्ट जे बोला है, जे सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, लेफ्ट राइट जे आए इधर, जे इधर, और फोर पर्सन जे और एल, ठीक है, टू पर्सन एच और के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल हो गया, और आई और जे, आई और जे जो कि नहीं है, दो तीन चार पाँच छ सात, छ हो गया इधर, ठीक है, एक दो तीन चार जे और फिर एल इधर मान लिया, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जे इधर, एक दो तीन चार, एल इधर आ जाएगा, एल के इमीडिएट लेफ्ट है के, इमीडिएट लेफ्ट हो गया के, और इधर क्या बोला था इसने, एल सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी एल जो कि एक सेकेंड, एल नहीं, जे सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ये बनेगा नहीं, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमने कर लिया, आई और जे एक साथ नहीं होंगे, तो आई इधर आएगा नहीं, आई इन दोनों की जगह आएगा, एक दो आई इधर ही आएगा, फिर एक सेकेंड, आई इन दोनों की जगह आएगा ना, एच एक दो, के इधर आएगा नहीं, एक दो एच आ जाएगा इधर, आई इधर, बचा क्या, जी एच आई जे, जे के एल, फिर एम आएगा, सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, थर्ड टू द लेफ्ट, वन टू थ्री, और सेकेंड टू द राइट, लेफ्ट राइट, एक दो एल आएगा,
सेकेंड हाउ मैनी पर्सन सिट के एंड एम वेन काउंटिंग एंटी क्लॉक वाइज ऑफ एम, के और एम एंटी क्लॉक वाइज वन आएगा सिर्फ, ठीक है। एल इज सिट जी लेफ्ट राइट एक दो तीन चार फोर टू द राइट एक दो और सिट वन टू थ्री थर्ड टू द लेफ्ट। फिर है नेबर ऑफ जे, नेबर ऑफ जे के और एम। फिर एक ये भी है तो क्या क्या करें यार, काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने। एक डेजिग्नेशन वाली ये भी थी, टाइम बहुत ज़्यादा ले गया मैं तो। वन पर्सन इज, तो एक काम करते हैं ये डेजिग्नेशन वाली करते हैं हम पहले। एट पर्सन है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, पहला है कमिश्नर, डीजीपी, डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, एसआई, नायक और कॉन्स्टेबल। ठीक है, और फिर है ए इज पॉसिबल इंस्पेक्टर, ए आ गए इधर, उससे पहले क्या है कुछ कॉन्स्टेबल इज रैंक लिस्ट, टू नंबर ए टू है जो कि ए और डी के बीच में है। ई रैंक इज द इमीडिएट हायर टू डी, टू पीपल वर रैंक ई और एफ, ई और एफ आएगा इधर। थ्री पर्सन एफ और एच एक दो तीन, एफ और एच आ गए इधर, इसमें बनेगा नहीं। थ्री पर्सन एफ और एच होगा, सी इज लोअर रैंक देन बी, सी इज लोअर रैंक देन बी, बी और सी इज हायर देन जी, बी सी और जी, ठीक है। हाउ मैनी जूनियर टू बी, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। वट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ एच, एच हमारा है कॉन्स्टेबल। फिर है बस पीपल जूनियर सेम एज सीनियर, एक दो बी आएगा इधर, ठीक है। डी जी पी जो कि है डी, डी सी एक दो तीन, बी जी एक दो तीन हो गया, ई और ए एक दो तीन हो गया, एफ और एच एक दो तीन हो गया, बी और डी होगा फिर, ठीक है। और फिर हमारा क्या क्वेश्चन रह गया, ये रहता है ना, इसको मैं कर लेता हूँ मार्क, अभी देखते हैं क्वांट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि माइनस होगा, यानी कि दोनों के दोनों प्लस प्लस आएंगे इससे, और इधर दोनों के दोनों प्लस प्लस इन टू टू, 221 कितने पे जाएगा, अभी 117, तीन और 117 पे नहीं जाएगा ना, फिर 21 एक नहीं बनेगा, 21 और एक पे भी 19 पे भी नहीं जाएगा, 23 पे भी नहीं जाएगा, 17 18 कहाँ जाएगा फिर, ये 7 21 11 नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 3 पे भी नहीं जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 9 2 9 पे भी नहीं, 10 11 11 पे भी नहीं, 12 पे भी नहीं जाएगा, 12 देखते हैं, 12 पे भी नहीं जाएगा, ये 13 और फिर बचेगा कितना, 7 8 13 7 91, हाँ 13 और 17 ये बनेगा, तो 17 का 17 2 34 13 2 26 और यहाँ से 84 का हमें बनाना है, 7 1 7 7 2 12 और 7 84 हो गया, इंटू 2 भी है, 7 2 14 नहीं ये नहीं बनेगा, 6 और 2 तो यहाँ से 2 2 4 7 4 28 तो ये भी नहीं, 3 इधर बना लेते हैं, 2 7 21 2 2 4 2 8 8 बनने के बाद 7 × 4 × 3 4 3 12 12 7 84 हो गया, और इंटू 2 ठीक है 7 4 28 तो ये बनेगा नहीं, 4 2 8 तो ये भी नहीं बनेगा, और 3 2 6 6 24 और 7 ये बन जाएगा, 24 और 7 तो y ग्रेटर देन आ जाएगा इसमें, y हमारा ठीक है, और इधर से ये माइनस का उस तरफ, तो अच्छा ये सेम बनाने पड़ेंगे अब हमें, ठीक है। तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35x माइनस 5 जो कि 20y इंटू 29 × 5 9 5 45 4 5 14 145 इधर करना पड़ेगा, 4 4 12x माइनस जो कि 20 प्लस है ये, और 4 6 × 4
छः चौक 24, दो चार चौक 16, 17, 18, 184 ऐड कर देंगे जस्टिन को, ये कितना बना था हमारा 12, 5, 2, 7, 3, 4, x 9, 8, 4, 12, और इधर 3 आएगा, और ये कितने पे जाएगा 7 पर चला जाएगा, ये शायद से 47 × 7 49, 7 पर ही जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारी 7, 7 चौक एक सेकेंड, x की वैल्यू 7 है ना, 7 की 21, यहाँ से 46 में से 21 जाएगा 1, 5, 2, 25, ये आ जाएगा 5, तो x इज ग्रेटर देन y आएगा इसका। नेक्स्ट है जो कि माइनस प्लस माइनस माइनस, वो ये 21 और 5 आ गए, यहाँ पे 5 और 4, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा इसका। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ये दोनों के दोनों माइनस 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 इंटू 3, और यहाँ से 4 और 2, 4 दिए 12, और 2 3 दो नीचे 4 और 3, y इज ग्रेटर देन आएगा इसमें। फिर है वेट ऑफ a और b दे दिया इतना रिस्पेक्टिव, a और b 4 7, a और c जो कि 3 और 5, 4 दिए 12, 7 दिए 21, ठीक है, 4 दिए 12, 7 दिए 21, 4 5 के 20, a b और c आ गया, सम ऑफ बी और सी 1, 4 82, 1 की वैल्यू 2 आ गई, वेट 1 का बताना है 12 दिन 24, ठीक है, इनको बाद में देखेंगे। तो एक ये है जो कि टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड दे रखे हैं हमारे, एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ केक दे रखे हैं ये, और डिफरेंस दे रखा है वेनिला और स्ट्रॉबेरी का, और इन ईच डे वेनिला इज मोर देन, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ज़्यादा कौन सा है वेनिला और फिर कौन सा स्ट्रॉबेरी, डिफरेंस इनका ये 126.74 जाएगा 2 और 5, तो 26 होगा ये, 26 में 74 जोड़ेंगे 10, 10 तो ये बन जाएगा 100 ही आ गया, ठीक है, और 108 अगर जाएगा इसमें से तो 120 बचेगा 60, ये 60108861168, 60 इधर गया, 120, 120 60, तो 120 ही आएगा, 254 में से 86 जाएगा 14, 4 4 8, 8 और यहाँ कितना बचेगा 24, 16, तो ये कितना आएगा 8, ठीक है, हाफ कर दिया 84, 84 और 86 ऐड कर देंगे 10, 8 दिन 16 17, 170, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 36 यहाँ से 120 में से 36 जाएगा 4, और 11 में 3 गया 8, ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा 42 42 36 8 7, ये आ गया स्ट्रॉबेरी केक जो कि सैटरडे और थर्सडे दो, 100 डिफरेंस बिटवीन, तो ये हो गया थर्सडे और स्ट्रॉबेरी का बताना है, थर्सडे और सैटरडे, डिफरेंस बिटवीन वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी 19, दे वेनिला इज मोर देन एज कम्पेयर टू, यही बना है यार 60 अगर इसका डिफरेंस है, नंबर ऑफ केक सोल्ड हो गया ये, ठीक है, 60 अगर गया तो 120 और 60 ये हो जाएगा, फिर 60 हो गया बचा हुआ ये, तभी तो डिफरेंस उनका ही आया, और ऐसे ही इसमें क्वेश्चन क्यों नहीं मिला फिर ये, और मैंने स्ट्रॉबेरी केक सोल्ड फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम, ठीक है ठीक है, तो पूरा ऐड करना है 4 और 6, 6 4 10 18 186 आएगा, ठीक है, रेशियो ऑफ द वेनिला केक सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेनिला जो ट्यूसडे है 100 टू द स्ट्रॉबेरी केक सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 120 5 रेशियो 6 आएगा, फिर परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन थर्सडे, टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन थर्सडे और सैटरडे 0 8 300 गए, ये 300 इज टुगेदर, एक सेकेंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल केक सोल्ड ऑन थर्सडे एंड टुगेदर स्ट्रॉबेरी केक, तो स्ट्रॉबेरी देखने अब इनके कितने हैं, कौन कौन सा था, ये
थर्सडे और सैटरडे, थर्सडे और सैटरडे का स्ट्रॉबेरी 2, तो ये जाएगा 3 और 4 34%। एवरेज सेल ऑफ वेनिला ऑन वेनसडे, वेनसडे वेनिला वेनसडे एंड सैटरडे, तो ये होगा 8 × 16 और 7 × 14 और इधर से 2 1 2 3 इज वर्थ मोर देन द स्ट्रॉबेरी फ्राइडे 84, तो यहाँ से 23 और 16 9 39। ठीक है, इफ द सेल ऑफ द वेनिला ऑफ ट्यूजडे इज इंक्रीज बाई 24 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे, ठीक है, तो 25 इंक्रीज हो गई, 2080 था मतलब मंडे को। देन हाउ मैनी मोर और लेस देन द वेनिला केक सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो 70 80 90। स्ट्रॉबेरी केक सोल्ड फ्रॉम वाई एंड द टोटल अर्निंग ऑफ द स्ट्रॉबेरी केक ट्यूजडे, ट्यूजडे को है 26 × x इक्वल्स टू 2640, तो 26 इधर 13 × 13 = 52 10 13 8 0 240 आ जाएगा एक की वैल्यू। ठीक है, द एवरेज ऑफ फोर नंबर, द एवरेज ऑफ लार्जर टू नंबर, इतना छोटे क्वेश्चन ही करते हैं जल्दी से। वो ये है 6 × 5 = 30 34 / 5, ठीक है, प्लस 5 × 15 = 16 17 18 18 / 5 आ गया 8 × 5 = 12 3 × 4 = 5 5 × 5 = 25 13 13 = 52 5 × 5 = 20 25 आ जाएगा इसका। ठीक है, 1024 होता है 32 × 25% यानी 1/4 करेंगे 8 + 24 ये आ गया 32 32 8 4 आ जाएगा 4 × 4 = 16 होता है 17 1 = 17 17 1 सेकेंड 1720/16 4 4 × 16 4 3 12 0 4 है फिर कितना 2 1 5/2 आ गई ये प्लस ये तो पॉइंट में गया यार 120 तो देखते हैं आगे क्या है 25 1/4 करेंगे तो 150/1/4 75/2 75 इधर ऐड कर दें 0 8 × 9 और इधर आएगा 2 तो ठीक है 300 150 145 और इधर 275 × 100 ठीक है 4 7 × 28 = 29 इधर कितना आएगा ये 5 5 × 20 ठीक है इधर x/4 × 16 80/x × 5 5 आ गया 5 × 10 आ जाएगा इसका आंसर 10 है क्या 10 ही रहा 5 इधर और 2 उधर ठीक है छप्पन इंटू 325/100 4 4 8 4 12 13 4 4 1 = 4 4 = 16 और 169/13 ऐड करेंगे 4 12 6 7 1 8 1 और 12 8 96 ठीक है प्लस 4 4 कर दें 186 96 जाएगा 09 और 125 × 4 5 9 2 18 4 72 ठीक है 76 × 50 और यहाँ से 20 26 27 27 7 2 2 2 4 6 2 12 1 7 14 15 1 2 4 6 1 ठीक है फिर आगे देखते हैं तो ये रहा एक नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन ए, नंबर ऑफ ग्रेजुएट हैं ब्लू वाले तो ये 5 10 15 20 नहीं 10 का है 10 60 70 80 90 तो 60 हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट हो गई ये तो है ये 100 160 हो गया इज हाउ मच मोर और लेस द पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट ऑन डी, डी के ये कितने हो गए 120 तो ये और 60 ये 180 20 का गैप आ गया। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाइड सी, सी में आगे 50 और 160 टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड तो ये सा
ये कितना हो गया 80, 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पोस्ट प्रेसिडेंट, तो डी डी में कितने बनाए थे अभी मैंने 120 और 60, 180, तो 100% आ गए। इफ द टोटल टोटल ऑफ 250 पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाइड ऑन ए एंड ई, ए में पोस्ट ग्रेजुएट हैं 120, तो टोटल जितने तो 130 हो जाएंगे, ई में 130 हो गए। 26 फीमेल ग्रेजुएट इन ए एंड 110 इज टोटल ग्रेजुएट अप्लाइड इन ए एंड डी, तो ए के देखते हैं जो कि ग्रेजुएट में कितने हैं 50 और 160, इसमें से मेल और फीमेल, फीमेल है 26, 60 में जाएगा 4, 5 में से 2 या 3, ठीक है। अब टोटल कितने हैं 110 में से 34 जाएगा 6, 10 से 7, तो डी में हमारा कितना है 120 में से ये कितना रहेगा 24, 44 आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर आगे क्या है, ठीक है, फिर ये है एक दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग, ऊपर देखते हैं टू कंपनीज इन बेंगलुरु हैविंग आइदर एंड देयर मदर टंग, ठीक है। तो कंपनी ए जो कि है हिंदी और कन्नड़, ए और बी, एक हो गया हिंदी, ठीक है, दूसरा कन्नड़। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर हैविंग हिंदी एज एज देयर मदर टंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग कन्नड़ एज मदर टंग, हिंदी और कन्नड़ इन बी इज इक्वल, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज, ए में टोटल है 150, तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ट्वाइस दैट ऑफ कंपनी ए, तो 300 हो जाएगा ये, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग हिंदी, हिंदी के हो गए 200, 100 ये हो जाएंगे, 100 इसमें हो जाएंगे, 50 ये हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ए एंड बी इन हिंदी, ए और बी जो कि हिंदी है 300, और डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर एम्प्लॉय इन बोथ द कंपनी, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कंपनी बोथ कंपनी एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बोथ, तो डिफरेंस होगा 150। एंड टोटल कन्नड़ इज देयर मदर टंग 150, तो 300 हो जाएगा इसका, ठीक है। इफ द, तो इसको छोड़ता हूँ मैं, आगे चलता हूँ। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग कन्नड़ एज ए मदर टंग ए, कन्नड़ ए हो गया 50, और टू द एम्प्लॉय हैविंग हिंदी इन द बी, हिंदी इन बी हो गया 200, तो 1:4 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, वो देख लेता हूँ जल्दी से, ये रहा। तो ये वन पर्सन स्टार्टिंग ए एंड 100 meters टुवर्ड्स द नॉर्थ, इसको रेड पेन से करते हैं, 100 meters चला स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच द पॉइंट बी, ठीक है। इट टर्न्स टू द 90 degrees टू द ईस्ट, तो इस तरफ जा रहा था, 90 degrees मूव कर दिया तो ईस्ट में हो गया, एंड वॉक 200 meters, ठीक है, 200 meters चला क्यूब, एंड देन टू द राइट एंड वॉक 100 meters अगेन एंड ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 500, 200 इधर 300 इधर टू रीच द पॉइंट एस, एंड देन ही टर्न टू द नॉर्थ एंड वॉक 500 meters, 500 मीटर चला इधर तो पहुंच गया टी पर, इन विच डायरेक्शन टी विद रिस्पेक्ट टू ए, टी विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो शॉर्ट है डिस्टेंस पी ओ टी हमारा ये हमें बताना है, तो ये हो गया 300, इधर 100 था 400, 4 थी 12, 3 9, 4 6 16 होगा, 16 9 2500, यानी कि 500 हो जाएगा इसका, 500 का ये रहा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू, एस की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट हो जाएगा इसका, क्वांट में देखते हैं। रेशियो द पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर ए और बी, जो कि ये गिवन है, पैकिंग ए बी
और सी जो कि 10 days में, बी अलोन 40 इफ ए और बी वर्किंग, ठीक है। तो ए का गया इधर और इधर आ गया 4, ए और बी का, ए और सी सॉरी कितना आ जाएगा, 3, 3 8 24, 24 आ गया। 24 आने के बाद तो बी रिमेनिंग वर्क कितना बच गया हमारा, 16, 16 दिन में कर देगा पूरा काम बचा हुआ, बस और नहीं हो पाएंगे, टाइम चला गया सारा का सारा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने रीजनिंग में, काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब किया है। तो सो गाइस देखते हैं अभी एक्यूरेसी पर सारी बात है कितनी रहती है। टेस्ट तो ठीक था, ये ज़्यादा लेवल था नहीं इसका, एक गलत हो गया अभी भी, कौन सा गलत हुआ है अभी ये देखना है। तो 7% वाला ये कहाँ गई मेरी, ये रहा। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द सिट बिटवीन के और एम व्हेन काउंटिंग एंटी क्लॉक वाइज ऑफ एम, के और एम एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज लगा दिया मैंने ये जे ए की है ना, बताना था 1 2 3 4, ठीक है। तो एक यही गलत हुआ है। अब देखते हैं हम अपना क्या परसेंटाइल कितना है, ये तो मैंने दिया ही था कल, ठीक है। तो परसेंटाइल की चेक कर लेते हैं कितना परसेंटाइल आया अभी हमारा ये, ये रहा 4th जो कि 62.75 मेरा स्कोर था, परसेंटाइल आया है 98, काफ़ी सही है यार, 98.6। देखो रीजनिंग में देखो यार कितना टाइम लिया, 28 मिनट्स, उससे भी ज़्यादा ही है कुछ ना कुछ, पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, और क्वांट में थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो और भी ज़्यादा मैं कर लेता। रैंक जो आई है 660 आई है मेरी, 47,000 ने दिया है अभी तक। सो गाइज आप लोग भी लगाना इस मॉक को और बताना क्या आपका स्कोर रहा। और एक चीज़ और, स्टार्टिंग में जब मैं कर रहा था रीजनिंग तो लग रहा था यार कि सच में ख़राब जाएगा मॉक, और एंड में देखो सही चला गया। तो यार कभी भी एग्ज़ाम दो तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि आपका स्टार्टिंग में अगर थोड़ी बहुत भी स्पीड कम जा रही है और आप ये सोचने लगो कि स्पीड ही नहीं आ रही, एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे ना माइंड पर, उतना ज़्यादा एग्ज़ाम आपका ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। एक टाइम पर मैंने ये छोड़ दिया था कि यार, सोच रहा था मैं मन मन में कि यार मॉक सच में ख़राब जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर सोचा चलो जो जैसा है देखा जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी जैसा भी जाएगा कर देंगे अपलोड, ठीक है। तो फिर एट द एंड काफ़ी सही चला गया, चीज़ें काफ़ी सही हो जाती हैं। माइंड पर जितना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना उतना ही ज़्यादा काम ख़राब होता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, वैसी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना यार इस चीज़ का, काफ़ी कम दिन रहते हैं एग्ज़ाम में, और काफ़ी बच्चे हैं जो स्ट्रेस ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जिस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पर देख लेना। आज नहीं मानोगे तो एग्ज़ाम दे के जिस दिन वापस आओगे ना तो उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि यार स्ट्रेस लिया था और उस वजह से मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।